एवरीवन, ऑन पॉपुलर डिमांड वी हैव द पार्ट टू ऑफ द रुपीज 100 मेकअप चैलेंज. मेरे पास ये पूरा बॉक्स ऑफ गुडीज है. इसके अंदर आई थिंक 20 या 25 प्रोडक्ट्स है. सो लेट्स बिगिन विद द बेस. ऑल्सो मैंने श्रेया जैन के वीडियो में देखा था कि बाल ऐसे बांधने नहीं चाहिए, साइड ऐसे पार्टीशन करके यहाँ पे क्लिप्स लगाना चाहिए सो दैट हेयर लाइन अपना रिसीव ना हो. दैट्स द लुक फॉर दिस वीडियो. For the base, I have Vico Turmeric. तो मैंने moisturizer search मारा तभी this was one of the cheapest moisturizers available. So I kind of know इसका texture कैसा है, लेकिन I've never tried it with makeup. The best part is ये बहुत thick है, तो ये primer का भी काम कर सकता है, like pores के अंदर अच्छे से चला जाएगा. Done. Our स्किन केयर इज डन. नेक्स्ट मैं हमेशा फाउंडेशन करती हूँ, तो ये टाइम मुझे थोड़ा फैंसी वाला मिला. ये नेल्फ का मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन था अंडर रुपीज 100 एंड इट जस्ट सेज नेल्फ USA. तो मुझे हर बार क्यूरियोसिटी होता है कि इज इट एक्चुअली फ्रॉम USA या बस नाम के लिए डाला है. बट इट सेज वी नीड टू शेक द बॉटल. ओ इट कम्स विद अ वियर्ड स्पैटुला. शेड उतना बुरा नहीं लग रहा है, बट इसमें सिर्फ दो तीन शेड्स थे यार, एंड आई थिंक दिस इज द मीडियम रेंज. मतलब इफ द सेलिंग इन द इंडियन मार्केट द शेड रेंज डज नॉट वर्क. थोड़ा स्ट्रीकी लग तो रहा है एंड इसका कवरेज तो कुछ लग ही नहीं रहा, मतलब इतना सारा फाउंडेशन लगाने के बाद भी. लेकिन वेयर इज ऑल द फाउंडेशन यार, मतलब मैं तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज नहीं कर रही. हाउ इज इट नॉट शोइंग अप. मुझे ये टाइम कंसीलर नहीं मिला अंडर रुपीज 100 क्योंकि वही ब्लू हेवन का स्टिक आ रहा था जो मैं लास्ट टाइम यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई डोंट वांट टू रिपीट प्रोडक्ट. सो आई थिंक वील हैव टू स्किप डायरेक्टली ऑन टू पाउडर विच विल होपफुली मेक दिस फाउंडेशन बेटर. बट हेयर इज अ कॉन्स्पिरेसी एंड सम टी. मैंने कॉन्टोरिंग के लिए L18 के दो अलग शेड्स मंगाए थे, लाइक द डार्केस्ट वन फॉर कॉन्टोरिंग, द सेकेंड लाइटेस्ट वन फॉर एक्चुअली यूजिंग. एंड माई फ्रेंड्स, देयर इज लिटरली नो डिफरेंस इन बोथ द शेड्स. एक तो चार शेड्स ही सिर्फ एंड उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं. सो हाउ आर वी सपोज टू मैच आर स्किन टोन यार. दिस इज 02 मार्बल, इट्स द सेकेंड लाइटर शेड एंड वेट फॉर इट. दिस इज 04 कोरल, द डार्केस्ट शेड. कितना डिफरेंस है यार दोनों में. हाउ कैन दिस बी द डार्केस्ट शेड फॉर द इंडियन मार्केट, आई डोंट गेट इट. बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो लेट्स सी इफ दिस इवन वर्क्स. मैं ज़्यादा कवरेज तो नहीं दे रहा. इफ आई ट्राई टू स्वॉच इट, या टैल्कम पाउडर जैसा लग रहा है. टू बी फेयर, आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट. लिटरली थोप दिया है सारा पाउडर मैंने चेहरे पे. सो लाइक अ 4/10, इट वर्क्स बट यू हैव टू रियली रियली मेक इट वर्क. ओह शिट, आई हैड अ प्राइमर, मैंने VSCC का ही लिया था, भूल गई यूज करना. करेंटली माई अंडर आईज लुक हॉरिबल. डू यू नो वॉट, आई कुड ट्राई टू यूज दिस एज अ कंसीलर एंड अ कलर करेक्टर. लेट्स ट्राई दैट. इट्स नॉट बैड आई गेस. थोड़ा केकी है, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही थिक है, बट इट्स डूइंग इट्स जॉब. आई थिंक कम प्रोडक्ट लिया ना, दैट वर्क्स बेटर. मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट लेने का ट्राई किया तो it looks horrible. I think let's do eyes. Yeah, let's do eyes. Eyes mein also I have some drama. I ordered Wet n Wild ke 4 eyeshadows ya 3-4. And ek pura eyeshadow toota hua aaya to the extent ki sara ka sara makeup andar blue color ho chuka hai. Even mere haath pe thoda thoda sa blue makeup hai. If I open this, it's gonna get everywhere. That is how the eyeshadow has come. I don't know how the return policy and all is. So I haven't tried to return it yet. But the other three have come properly. So I think we're gonna not do a blue eyeshadow today. And ye kitna sasta tha yaar. Matlab, I think these two were just for 68 rupees each. That is pretty nice. And this pressed glitter one,
आई थिंक दिस वॉज अराउंड 104 rupees, 4 rupees ओवर बजट गए, बट देन इट इज़ सो ब्रिलियंट कि मेरे को ये चाहिए था. दिस वन आई ऑर्डर टू यूज एज अ हाईलाइटर, क्योंकि मुझे हाईलाइटर मिला नहीं अदरवाइज. सो आज हम न्यूडिश ब्राउन लुक के लिए जा रहे हैं. Oh wow, it is showing up. First stroke ke liye, this pigmentation is amazing, yaar. I have expensive palettes in my wardrobe, jinka pigmentation aisa nahi hai. And the color kitna pretty hai. Like, I don't think we need anything else along with this. It's beautiful. I'm surely ordering more of these. So the eyeshadow is a sure shot thumbs up. Now moving on to my most exciting part of this video, this pressed glitter. I just want to put it all over my eye and see how it works. Oh, thoda glue jaisa feeling hai. Like the second I'm dipping it in, andar gadda ho gaya hai. Let's see. Did you see that? Wow. काफ़ी चंकी है एंड इट्स सिटिंग ऑन द आईज एकदम अच्छे से. इट्स नॉट लाइक अदर लूज ग्लिटर्स जो नहीं चिपकते. आई वॉन्ट ऑल ऑफ वेट एंड वाइल्ड आई शेडोज नाउ बिकॉज दे आर सो गुड. आई नॉट गोना ओवर डू इट बिकॉज आई ऑलवेज ओवर डू इट, सो आई एम गोना स्टॉप हियर. एंड आई फॉरगॉट वन स्टेप यार, मैं हर बार आईब्राउज पहले करती हूँ, दिस टाइम तो मैं भूल ही गई. आई हैव अ वेरी सिमिलर प्रोडक्ट, मिस क्लेयर का ही आईब्राउ पेंसिल मिला मुझे ये टाइम पे, बट ये टाइम इट्स अ डिफरेंट शेड. आई थिंक आई पिक्ड अप अ वेरी लाइट ब्राउन टू सी इफ इट इज रेडिश और इफ इट्स एक्चुअली गोना लुक मोर नेचुरल देन ब्लैक, क्योंकि ब्लैक तो बाबा इट लुक्स लाइक क्या ही कर दिया है मतलब. या आई थिंक दिस लुक्स नाइस. पिगमेंटेशन एकदम ज़्यादा नहीं है, बट देन दैट्स गुड ना, क्योंकि आदत नहीं है हल्के हाथ से मेकअप करने का. लाइक आई एम यूज टू जस्ट डूइंग दिस ऑन माई फेस, तो वैसे लोगों के लिए इट्स गुड कि ज़्यादा पिगमेंटेशन ना हो. या इट डज मेक द आईब्राउ लुक डिसेंट. डन. व्हाट इज नेक्स्ट? ओ, आई फाउंड अ मस्कारा दिस टाइम. आई डोंट थिंक दिस वॉज एग्जैक्टली अंडर 100 rupees. MRP इज 110. देर वॉज प्रॉबली अ 5% ऑफ, बट 110 इज ऑल्सो नॉट बैड फॉर अ मस्कारा. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. बहुत अजीब दिख रहा है क्योंकि मैंने ऐसा मस्कारा कभी नहीं देखा. हाई एंड भी नहीं, सस्ता भी. द ब्रश इज लाइक दिस, लाइक एक साइड से एक छोटा सा कोम है एंड एक साइड से दिस लाइक. हाउ इज दिस अ मस्कारा? वॉट एम आई सपोज टू डू विद दिस? हाँ, अंदर है मस्कारा, तो इससे क्या करना है? आई थिंक प्रॉब्ली आई लैश सेपरेट और समथिंग. नॉट बैड, शोइंग अप एटलीस्ट. दिख तो रहा है मतलब, एटलीस्ट इट्स वर्किंग. या इट वर्क्स. एंड मेरी आंख जल नहीं रही है राइट नाउ, विच मीन्स इट्स काइंड ऑफ सेफ, बिकॉज मैंने जितने भी सस्ते मेकअप वीडियोज देखे ना, लाइक $1 और डॉलर स्टोर मेकअप वीडियोज, उसमें काफ़ी लोगों की आँख जलने लगती है आफ्टर यूजिंग मस्कारा एंड आई लाइनर. एंड इसलिए मुझे ये वीडियोज़ करने में डर लगता है कि मेरी आँख मेरे को बहुत प्यारी है, बट कुछ हो तो नहीं रहा राइट नाउ, सो आई थिंक वी आर गुड. 100 rupees में दिस इज नॉट बैड. आई हैव सीन मोर एक्सपेंसिव मस्काराज डू लेस जॉब देन दिस. अनदर वन ऑफ माई मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो इज आई लाइनर, बिकॉज मुझे लेना था सिर्फ एक बट मैंने लिए 3. आई बॉट अ ब्लू आई लाइनर, आई बॉट अ गोल्डन आई लाइनर एंड आई बॉट अ ग्रीन वन ऑल्सो जो मेरे मेकअप वॉर्ड्रोब में है. एंड आई ऑलरेडी यूज इट ट्वाइस क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है. सो आई एम ग्लैड आई यूज इट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिव्यूज ऑन इट. लेकिन आई थिंक फॉर दिस वीडियो आई वांट टू गो फॉर द गोल्डन वन. Oh, it's a very nice consistency. It's very visible. Yeah, it's actually very visible. क्योंकि मेरे eyelashes पे भी जा रहा है and दिख रहा है. It's really good. 100 rupees के लिए. इट्स ईजी टू अप्लाई. आई थिंक आई लाइनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसका टिप कैसा है, बिकॉज अगर हम लगा ही नहीं सकते
तो अच्छे प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा. तो इसका टिप एक्चुअली बहुत अच्छा है, स्पेशली द ग्रीन वन क्या डार्क आई लाइनर है, तो अगर उसमें कुछ गलती करती है तो दिख के आएगा. तो उसका भी टिप बहुत यूजेबल है, लाइक इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, अच्छे से लगा सकते हैं. मेन चीज़ मुझे क्या अच्छी लग रही है मालूम है, इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, मतलब इट्स शोइंग अप इन वन स्ट्रोक ऑल्सो की लगाया है. सो दैट्स फॉर द आई लाइनर. अभी ग्रीन वाले का मेरा ये रिव्यू है कि वो निकल जाता है, लाइक आफ्टर अप्लाइंग इट 10 मिनट में मैंने गलती से आग के इधर कुछ तो इच किया था एंड वो निकल गया. सो इफ यू आर अप्लाइंग दिस आई लाइनर, कैरी इट विथ यू. नेक्स्ट आई थिंक आईज आर डन, सब हो गया, आई लाइनर, मस्कारा, आई शैडो. आई थिंक वी कैन ट्राई अ ब्लश. आई गॉट दिस वन फ्रॉम ब्लू हेवन एंड इसका मैं फोटो बताती हूँ. फोटो में इतना लाइट था ये, दैट्स व्हाई आई पिक दिस, कि पीची कलर का था एंड रियल लाइफ में दिस इज लाइक अ वेरी वेरी हॉट पिंक. तो आई नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दिस, एकदम हल्के हाथ से. नहीं, बहुत ज्यादा हल्का हो गया. या इट्स शोइंग अप. या इट्स Not that bad, to be honest. मतलब इतना भी ज़्यादा pink नहीं लग रहा. Like this side is fine, this side I have messed it up. But then this one shows कि you can make it look natural. It won't compulsorily look like you are going to the circus in a while. But it's a good blush. मतलब 100 rupees के लिए I would definitely recommend it. एकदम matte है, इसके अंदर glitter नहीं है. Perfect. That's really nice. So we can try highlighting. It's time to use this eyeshadow from Wet n Wild. बहुत cute है ये eyeshadows. Highlight I always do it with my fingers only, क्योंकि that's the way I feel कि सबसे ज़्यादा pigmentation मिलता है. Oh, I think it works fine. थोड़ा ज़्यादा glitter है because it's honestly meant to be an eyeshadow. So my eyes are a disco ball at this moment because there's glitter all over them. But this eyeshadow is working really well as a highlighter, yaar. So basically 68 rupees mein hume highlighter mil gaya. Amazing. I actually really, 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 really like it. Super. Ye wala challenge is way better than the last one. And it's encouraging me to do a new one sooner. Aur kya hai hamare paas? Yeah, I think the only thing left is the lips. And stupid me forgot ki lip balm thode der pehle lagana chahiye tha. So I found this aloe vera lip balm by TS Lip Lock. Oh, it smells good. It smells like chocolate. It shouldn't because it's aloe vera. And I think इसमें SPF भी है. हाँ, इसमें SPF 22 है. I think that's really nice. जल्दी से lip balms के अंदर sun protection formula नहीं होता. But it's good. I like this lip balm, it's good. Another star product, it's this Faces ka lip pencil. Now Faces is expensive and kisi ne expect nahi kiya hoga ki Faces ye video mein hoga, but this was on 70% off. I didn't know ki makeup mein bhi itna discount milta hai. So I just grabbed it. It was not exactly under 100 rupees, I think 120 या ऐसा कुछ प्राइस था, बट इट वॉज स्टिल वर्थ अ ट्राई. तो लेट्स सी इफ दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक अ गुड लिप पेंसिल. पहले स्वॉच करके देखते हैं, मेरे हाथ पे जगह नहीं बची. डन. वाओ, दैट इज गुड. दिस कलर इज सो प्रिटी. आई हैव हाई होप्स. मैं बॉडी शॉप का एक लिप पेंसिल यूज कर रही हूँ लास्ट 3 or 4 years से. इट हैज एक्सपायर्ड 2 years बैक, बट आई डिडंट गो एंड बाय अ न्यू वन. आई फाइनली फाउंड अ रिप्लेसमेंट एंड स्पेशली इसका कलर इतना परफेक्ट है कि इट गो विथ एनी लिपस्टिक. एंड लिपस्टिक के लिए भी आई हैव टू ऑप्शंस. सी द कवर्ड इन ब्लू आई शैडो बिकॉज ऑफ दैट ब्रोकन आई शैडो. सो आई वॉज वेरी वेरी क्यूरियस बाय बोथ द ब्रांड्स. वन इज कॉल्ड इनसाइट एंड इसका पैकेजिंग ऐसा है कि अंदर जो लिप कलर है वही कलर का पैकेजिंग है. या वेल दैट्स ट्रू. व्हाई इज देयर फ्लफ ऑन इट. नए लिपस्टिक में ऐसा नहीं होना चाहिए.
देन आई फाउंड दिस नेल्फ का लिपस्टिक. अभी इसका ना फोटो बहुत ज़्यादा फैंसी था एंड आई कुडंट बिलीव कि 100 रुपये में ऐसा लिपस्टिक आ रहा. बट व्हेन आई ओपन्ड इट आई एम अ लिटिल, क्योंकि इस पे स्वेट जैसा टेक्सचर है. एंड मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए जैकलिन हिल के लिपस्टिक्स के बारे में टू नो कि लिपस्टिक पे स्वेट जैसा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज नॉट गोइंग ऑन माई लिप्स. आई एम या नो दिस इज वियर्ड. ऑल्सो बहुत ज़्यादा शिमरी है. सो लेट्स जस्ट वॉच इट ऑन द हैंड. नो दिस इज नॉट वॉट आई थॉट आई वॉज बाइंग. आई थॉट मैं एक न्यूड लिपस्टिक ले रही थी पर ये तो एकदम बार्बी पिंक जैसा लग रहा है एंड एकदम शाइनी है. नो दिस इज स्टेइंग. दिस इज बेटर. आई डोंट थिंक ये लुक के साथ ज़्यादा जाएगा बट दिस इज डेफिनेटली बेटर. तो आई जस्ट टेक सम ऑन माई फिंगर एंड स्प्रेड इट. मैंने जानवी कपूर के नायिका का वीडियो में ही देखा था उसको करते हुए एंड एवर सिंस देन मैं भी यही करती हूँ. ऑन द बेसिस ऑफ द स्वॉच एंड द पिगमेंटेशन ऑन द लिप्स द इनसाइड वन इज गुड बट द नेल्फ वन आई डोंट रियली लाइक इट. बट आई थिंक दैट्स अबाउट इट. मुझे कोई मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं मिला बट फॉर द लास्ट प्रोडक्ट I actually did get a makeup remover in the price range that we're looking for. So we'll test this also if it's any good. But before that, this is the final look. Room is filled with silence. We're alone and frightened. All we do is lie. Throw away our labor. Like a piece of paper, gone and won't be found. And ooh, 'cause you were not wrong. And ooh, 'cause we are not one. You've blown out the last ray. Now we move on to removing the horrible job that I've done on my eyes. So मुझे Maybelline का ये makeup remover मिला है. I didn't know कि इतना सस्ता मिलता है. Cotton pads लाना भूल गई. I'll be back. First test. Oh wow, निकला तो है. Yeah, एकदम अच्छे से निकल रहा. And it's not irritating the skin. मतलब foundation भी अच्छे से निकल रहा है in the same makeup wipe. And इतना product नहीं use करना पड़ रहा यार. Like इतना use हुआ है अभी तक and almost all of my makeup from half of the face is gone. तो ये शायद महीना भर तो चल जाएगा. 100 रुपये में I wouldn't mind that. तो ये था हमारा ₹100 मेकअप चैलेंज. इफ यू वॉन्ट मी टू मेक मोर एपिसोड्स फॉर दिस और मोर पार्ट्स फॉर दिस देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन गुड बाय.